हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सालिग्राम क्या है? आपके मन में यही चल रहा होगा, सालिग्राम की चिड़िया का नाम है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो चिड़िया नहीं, एक पत्थर है। इस वीडियो के माध्यम से वही बताऊंगा असल में सालिग्राम नाम के पत्थर का क्या काम होता है और क्यों उसे लोग पूजा करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जरूर पता चल जाए। चलिए बिना इस देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको वीडियो समझने में बहुत ही आसानी हो। आज का स्टोरी बहुत ही सिंपल होने वाला है। एक दुकानदार के बारे में कहानी है, जो अपने दुकान में सब सामान बिक्री किया करता था। पर जैसा ही कहा जाता है, वो भगवान का बहुत बड़ा भगत था। हमेशा भगवान का नाम लिया करता था, भगवान को याद किया करता था, भगवान का भजन किया करता था। अपने दुकान में भी बैठा करता था, तो उस समय भी भगवान का नाम लेता था, जिससे कि भगवान उसे हमेशा प्रसन्न रहते थे। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, उसके सामने एक पत्थर गिरा हुआ मिलता है। वो लास्ट उस पत्थर को मारता है, पत्थर आगे लुढ़क जाता है, लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ जाता है। ये देखकर उसे आश्चर्य होता है। वो देख रहा है ये इतना चिकना पत्थर है, एकदम गोल पत्थर है, बहुत सुंदर सा पत्थर है। वो इंसान क्या करता है, उस पत्थर को उठा लेता है, अपने संग लेकर दुकान चले आता है और दुकान पे लाकर पानी से धोकर उसे अपने दुकान में रख लेता है। और जहाँ पर वो सब सामग्री तोला करता था, वहीं पर उस पत्थर से वो तोलने लगता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है, ये जो पत्थर है, जितना नाप में नापूंगा उतना नाप अपने आप ही इसका वजन हो जाता है और ये नापने लगता है। मतलब अगर मुझे 1 किलो सामान चाहिए तो ये पत्थर 1 किलो का हो जाएगा, अगर मुझे 0.5 किलो सामान चाहिए तो ये पत्थर 0.5 किलो का हो जाएगा। अब आपको मन में चल रहा होगा, ये कैसे हो सकता है? पर ये सालिग्राम पत्थर का निशानी था, जिससे वो अपना रूप चेंज कर ले रहा था। उसका वजन हमेशा चेंज होते रहता था, इसीलिए अपने दुकान पे उससे वजन किया करता था। ऐसे ही वहाँ पर ऋषि मुनि का आगमन होता है और ऋषि मुनि जैसे उस पत्थर को देखता है और कहता है, ये तो सालिग्राम है, तुम ये क्या कर रहे हो? इसे तो मंदिर में होना चाहिए, इसे पूजा किया जाता है। संग संग उसे वहाँ से उठाकर कपड़े में मोड़ कर वो मंदिर लेके चला जाता है। और वो ऋषि मुनि इस पत्थर को ले जाकर मंदिर में रख देता है और पूजा करने लगता है। और ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है। एक दिन ऋषि मुनि को सपना आता है कि सालिग्राम पत्थर कह रहा है, मुझे यहाँ पर रहने का इच्छा नहीं है, एक काम करो, तुम जहाँ से मुझे लाए थे उस दुकानदार को ले जाकर मुझे वापस कर दो, मुझे तराजू में तोल के झूलना झूलाया करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, कृपा करके मुझे जल्दी से जल्दी दुकानदार को वापस कर दो। इतना सपना देखते ही ऋषि मुनि का आँख खुल जाता है। उसके बाद इन सुबह में सालिग्राम पत्थर को उठाकर वो दुकानदार को वापस कर देता है, सारा बात बता देता है और कहता है, ये पत्थर तो तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, पर एक बार तुम मुझे कहो, तुम इस पत्थर को यहाँ पर रखते हो, ऐसा क्या काम करते हो? इस पत्थर भी तुम्हारे पास में रहना चाहता है। तो व्यक्ति कहता है, मैं हमेशा भगवान का नाम लिया करता हूँ, मैं भगवान का भजन किया करता हूँ, भगवान का नाम इतना प्यार से लेता हूँ, इससे मेरा मन बहुत शुद्ध हो जाता है, मिठास बढ़ जाता है। इतना सुनते ही ऋषि मुनि भी चौंक जाता है। तो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आपके अंदर में ज़्यादा भक्ति होगा, भगवान भी आपके पास में रहना चाहेंगे। कहा जाता है, जो सालिग्राम पत्थर होता है उसे भगवान का वास होता है, स्वयं भगवान उस इंसान के पास आना चाहते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो बनाने का मतलब क्या था और सालिग्राम पत्थर का मतलब क्या होता है, सालिग्राम पत्थर किस प्रकार से काम करता है। अगर आप बहुत पूजा करते हैं पर भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भजन नहीं करते हैं, तो क्या फ़ायदा उसका पूजा पाठ का? एक बार आप सोच के देखिए, आपको रोज मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, पर आपको घर में मंदिर बनाने की जरूरत है, जिसे भगवान आपके पास मानने चाहे और आप वहाँ पर बहुत खुशी से भगवान को रख पाए। शायद मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया, वीडियो बनाने का मतलब तो पता चल गया। आज के बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और मेरे वीडियो पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और प्रेस करें। थैंक यू।